हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एस ब्लॉक. सो एस ब्लॉक आर दोज एलिमेंट्स एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स इन विच द लास्ट और द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंटर्स द एस सबशेल और एस ऑर्बिटल. एज यू कैन सी दैट दिस एस सबशेल और एस ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन. दैट इज़ वाई वी हैव मैक्सिमम टू ग्रुप्स फॉर द एस ब्लॉक. ओके, दिस इज ग्रुप वन एंड दिस इज ग्रुप टू. सिमिलरली फॉर पी ब्लॉक, लाइक दिस इज पी सबशेल. ओके, पी सबशेल, दिस इज पी सबशेल एंड दिस बॉक्सेज आर ऑर्बिटल्स. पी सबशेल कैन हैव मैक्सिमम थ्री ऑर्बिटल्स एंड दिस थ्री ऑर्बिटल्स कैन हैव मैक्सिमम सिक्स इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो वी कैन हैव मैक्सिमम सिक्स ग्रुप्स. ओके, फ्रॉम ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 फॉर पी ब्लॉक. ओके, ये चीज़ जो है हम अगली वीडियो में करेंगे. लेट्स फोकस ऑन द एस ब्लॉक एलिमेंट्स. सो एस ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर ग्रुप वन वी हैव हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम. ओके, फॉर ग्रुप टू वी हैव बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम. जो लास्ट के दो एलिमेंट होते हैं फ्रेंशियम एंड रेडियम, दे आर रेडियो एक्टिव. ओके, रेडियो एक्टिव एंड नेचुरली रेडियो एक्टिव. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के लिए हम क्या डिफाइन करते हैं? टी हाफ और द हाफ लाइफ पीरियड फॉर रेडियो एक्टिव एलिमेंट. ओके, सो नाउ कम्स द निमोनिक्स. सो फॉर ग्रुप वन वी हैव हेलिना. हेलिना एक लड़की है. ओके, हेलिना की मतलब पोटेशियम की. रूबी, रूबी इज अनदर गर्ल. रूबी से सीजियम से फ्रेंडशिप. ओके, हेलिना और रूबी के बीच में फ्रेंडशिप करानी है. सो द निमोनिक्स इज हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप. ओके, दिस इज क्वाइट सिंपलर. एंड सिमिलरली फॉर ग्रुप टू, ग्रुप टू के लिए निमोनिक्स है बीई. बी इज बेरिलियम. बीड़ी, बीड़ी यू नो टोबैको और स्मोक. प्लीज डू नॉट स्मोक, दिस इज जस्ट अ वीडियो एंड फॉर फन पर्पज. ओके, बीड़ी महंगी, बीड़ी महंगी कर सरकार बहुत बहुत रोई. ओके, बीड़ी महंगी कर सरकार बहुत रोई. ओके, नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग, हमको ये भी याद रखना है कि कौन सा एलिमेंट का सिंबल क्या है. फॉर एग्जांपल बी ई इज बेरिलियम. ओके, एंड अलोन बी इज बोरोन. बोरोन इज अ ग्रुप 13 और पी ब्लॉक एलिमेंट. ओके, और एस आर इज स्ट्रॉन्शियम एंड एस सी इज स्कैंडियम. स्कैंडियम इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट. ओके, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हमको सिंबल भी याद रखना है कि कौन सा एलिमेंट क्या सिंबल क्या सिंबलाइज करता है. ओके, फॉर एग्जांपल एन ए इज सोडियम. सो द निमोनिक्स आर क्वाइट सिंपलर. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, दैट ग्रुप वन एलिमेंट आर ऑल्सो कॉल्ड एल्कली, एल्कली मेटल्स. ग्रुप वन एंड ग्रुप टू बोथ हैव मेटल्स एंड ग्रुप वन आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स. ग्रुप टू आर कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल. ओके, वाई सो ग्रुप वन ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स. द इन एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं दैट आर बेसिक. ओके, एल्कली स्टैंड्स फॉर बेसिक. ओके, दे आर बेसिक इन नेचर, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स. एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स इज द ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर एल्कलाइन. एल्कली मीन्स बेसिक. ओके, दैट इज वाई एल्कली एंड एल्कलाइन बोथ स्टैंड फॉर बेसिक नेचर. ओके, डू नॉट गेट कन्फ्यूज. And they are also found in earth crust. That is why they are called alkaline earth metals. Okay. So once again, हम एक बार दोबारा से निमोनिक्स देखेंगे. For group वन we have हेलिना की रूबी से friendship. Okay. And for group टू we have beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. बीड़ी महंगी कर सरकार बहुत रोई. Okay. So if we see electronic configuration for S block is as per NCERT, this is NS022. Okay, you can see that the group 1 they have NS1 and group 2 they have NS2. Okay, so we will be doing as such mnemonics for P block, D block and F block. Okay, so F block is really tough, but we have quite simpler mnemonics for that as well. So if you find this video helpful, please do subscribe to the channel Blooming Mind. Okay, thank you so much.